चैप्टर में दोस्त केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रिएक्शन का दर सीधा समानुपाती है मोलर सांद्रण ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, जहां पर प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म का पावर बराबर होता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट के। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया गया जहां माना गया एक सामान्य रिएक्शन को। तो रिएक्शन का मतलब भी दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनाना, ये हमारा कहलाता है एक केमिकल रिएक्शन। और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, जब नाइट्रोजन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोजन के साथ तब बनाता है अमोनिया। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया जाता है और 2 मोल, तो ये जो 3 मोल है यही हमारे क्या है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। और यहाँ जो 1 मोल नाइट्रोजन लिया गया यही हमारा क्या स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। और ये जो हमारा 2 मोल है यही हमारा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कोफिशियंट लिया जाता है उसी को बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। ए प्रतिक्रिया कर रहा है बी के साथ और बना रहा है प्रोडक्ट, जहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है हमारा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार तो रेट बराबर हो गया रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर स्मॉल ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर स्मॉल बी। तो रेट के लिए रेट लिख दिए, के लिए के लिख दिए, के हमारा जहाँ रेट कांस्टेंट है, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख दिए, और यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख दिए। जहाँ पर के हमारा एक कांस्टेंट है जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। देखिए दोस्तों ये रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब रिएक्टेंट जितना स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी स्पीड को बोलते हैं रेट कांस्टेंट।